तो दामोदर अष्टकम जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, सत्यव्रत मुनि के द्वारा भगवान दामोदर को उन्होंने प्रार्थना किया है। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ ईश्वरम, उस ईश्वर को। किस ईश्वर को? जो कि कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। तो पहले, सबसे पहले नमामि ईश्वरम। ईश्वर यहाँ पे अब ऐश्वर्य भाव से सत्यव्रत मुनि शुरुआत कर रहे हैं। कैसे? ऐश्वर्य भाव से, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, है ना, तो कई बार ऐसे लग उसका ऐश्वर्य हमें फिर पता नहीं रहता, है ना, तो कई बार हम उसको हल्के में भी ले सकते हैं, सहज में, है ना। तो शुरुआत में ही पहले उस ऐश्वर्य भाव, उस ईश्वरता को पहले बताया है, है ना। नमामि ईश्वरम, तो इस ऐश्वर्य भाव को, मतलब भागवतम में 10 चीज़ें बताई गई हैं, 10वीं चीज़ है आश्रय, है ना, और वो है दशम स्कंद। तो जो कुछ है उस है, मतलब गोल वही दशम स्कंद ही है, लेकिन उस तक जाने का जो रास्ता है वो 9 स्कंदों से होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, आज हम सुबह बात कर रहे थे कि प्रभुपाद ने जहाँ भी लिखा है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उन्होंने हर जगह पूरा लिखा है। तो इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जब हम उनको देखते हैं कि ये तो मक्खन चुरा रहा है, ये तो कपड़े चुरा रहा है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में सबसे श्रेष्ठ है, है ना, ये चुराता है, वो चुराता है, मिट्टी खाता है, है ना, कोई उसको बांध लेता है, कोई उसको हरा देता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को हरा दिया, मार दिया, और उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो वहाँ पे श्रीदामा थे, भगवान के सखा। अच्छा, जब ब्रज में श्रीदामा और कृष्ण का हमेशा ये फाइटिंग मैच, रेसलिंग मैच होता है, तो ज़्यादातर कौन जीतता है? श्रीदामा, ज़्यादातर श्रीदामा ही जीतता है। तो जब भगवान ने कंस को मार दिया, तो कृष्ण कंस के ऊपर बैठे हुए थे, मारने के बाद तो श्रीदामा कहता है कुछ तो डाउट लग रहा है, ये इसको रोज मैं हराता हूँ, इसको जब देखो तब, ये जितनी बार मेरे से लड़ता है, हम लोग जब रेसलिंग करते हैं तो इसको मैं रोज हराता हूँ, तो इसने कंस को कैसे मार दिया? ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का कुछ तो भी भेस वेस बना के कोई और है, ऐसे कैसे? बोले नहीं, ये तो रोज हराता हूँ यार मैं, बोले मैं हूँ कृष्ण। जब भी भगवान कृष्ण ने ना एक बार अपने सब सखाओं को बोला मैं हूँ कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हो गया मैं, हो गया, अरे सही बात बोल रहा हूँ, हो गया। श्रीदामा कहते ठीक है अभी मजाक बंद करो, काम की बात करो। नहीं कृष्ण, नहीं मैं हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी सखाओं को बुलाया, सुनो सुनो, हाँ अभी बोलो फिर से, क्या बोल रहे थे? मैं कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सभी अवतारों का स्रोत। सारे बच्चे जितने सखा थे ना, हंस हंस के लोटपोट हो गए, क्या भाई और जोक नहीं मिला क्या है? तो जब वहाँ पे कंस के ऊपर बैठ के बोला, बैठे हुए थे कृष्ण, तो श्रीदामा कहते कि तुझे मेरे से लड़ना पड़ेगा। तो फिर सारी, मतलब पहले चाणूर मुष्टिक उन सबको मारा, फिर कंस को भी मार दिया, फिर श्रीदामा कहते नहीं ये कृष्ण अपना ब्रज वाला नहीं लग रहा, ये रोज हराता था मैं, अभी लड़ाई होगी। तो उसी मैदान में कृष्ण और श्रीदामा की लड़ाई हुई। फिर जब श्रीदामा की लड़ाई हुई तो कौन जीता? श्रीदामा। तब कहते हाँ ये अभी असली है, है ना, श्रीदामा ने ISI मार्क लगाया कि हाँ असली कृष्ण भाई, हराता हूँ आज भी हराया, ठीक है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे कि ये तो है ना, वो रसखान ने एक ब्रज में कवि हुए ना,
उन्होंने कुछ तो भी लिखा है, छछियाँ पर छाछ पे नाच नचन से, किसी को याद है पूरा लाइन? ताही अहिर की छोरियाँ छछियाँ पर छाछ पे नाच नचन। ओ अहिर की छोरी मैंने ब्रज की गोपियाँ, यादवों की लड़की, वो उसको बोलती कि तुमको इतना सा छाछ दूंगी, नाच के दिखाओ, है ना। तो नाचते, तो वो नाचते है ना। तो एक कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है भाई, है ना, कि उसको इतना सा मक्खन चाहने चाहिए उसके लिए वो नाच रहे हैं। तो वो नाचते हैं, फिर वो कहते अभी दो, नहीं नहीं अभी अच्छा नहीं हुआ, एक बार फिर से करके दिखाओ, तो फिर नाचते हैं, है ना। तो जब हम ये सब कथाएं सुनेंगे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में, अब कोई आपको बताए कि सच सच कंट्री के जो पीएम हैं वो गांव की लड़कियों से ना मक्खन मांगते हुए पाए गए, कैसे लगेगा आपको, है ना। और ऐसा डाउट हो सकता है कि ये कोई साधारण बच्चा है, क्योंकि ये तो हमारे घर में भी रोज़ होता है, हमारे यहाँ भी बच्चे मिट्टी खाते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, दूसरे घर में घुस जाते हैं, किसी घर में कुछ करके आ जाते हैं, ये तो हमारे घर में भी होता है। तो हमारा बच्चा और ये तो नॉर्मल बात है। ऐसे कोई एक पुरानी फिल्म में गाना भी है, आपको पता हो तो नहीं, पुरानी फिल्म में गाना है कि जो यशोदा का जो कृष्ण है उससे श्रेष्ठ तो मेरा बच्चा है। तो ये डाउट ना हो किसी को, है ना, क्योंकि हो सकता है जब कृष्ण ने ना अपने सखाओं को बोला ना, तो वो कहते हैं कि अरे यार तुमको पता नहीं मैंने पूतना को मारा, सबके सामने मारा। अच्छा हमें मत सिखाया करो, समझे, वो पूतना तो मरी क्योंकि यशोदा माता की प्रार्थनाएं इतनी स्ट्रांग थी। अरे अघासुर को मारा ना तुम लोग, सब उसके मुंह में घुस गए थे, मैं फिर जाके निकाल के लाया। ओ भाई रहन दो, हम सब कुछ कर चुके थे, तुम आए बस जरा सा कर दिया और सारा क्रेडिट खुद ले गए। अरे यार गोवर्धन उठाया था ना भाई, सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी को इतना खिलाया, इतनी पूजा करी, उससे प्रसन्न हो के गोवर्धन जी जो हैं स्वयं अपने आप लाइट वेट हो गए, हल्के हो गए, और तुमने आके बस उंगली लगा दी, सारा क्रेडिट ले गए। तो डाउट हो सकता है ना, इसलिए नौ स्कंद हैं, नौ स्कंद इसलिए हैं, पूरा चार्ट ये इसलिए यहाँ लगाया है कि आप समझो कि ये कोई साधारण। अच्छा ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 मेरे को तो डाउट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ब्रह्मा को नहीं हुआ क्या, हम ब्रह्मा से ज़्यादा महान हैं, ब्रह्मा जी को डाउट नहीं हुआ, इंद्र को डाउट नहीं हुआ। जब ब्रह्मा को डाउट हो सकता है, इंद्र को डाउट हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता। हमें डाउट होगा तो ये भी नहीं पता होगा कि हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें नहीं पता। ये इतना बड़ा चार्ट उस ऐश्वर्य को दिखाने के लिए है, हम उसको समझें ना, कि ब्रजवासियों की महिमा क्या है ना, ब्रज धाम की महिमा क्या है। ये ब्रज धाम जिस पे भगवान बिना चप्पल के चलते हैं, उस ब्रज की धरती में उन चरणों के निशान हैं ना, ये वही चरण हैं जिनको लक्ष्मी अपने वक्ष स्थल पे लगा के बैठी हुई है, लक्ष्मी। और ये ब्रज के बालक इनको ऐसे ही उठा के पटक देते हैं। तो नौ स्कंद किस लिए हैं कि हम समझें। तो तृतीय स्कंद में जब वराह देव का वर्णन आएगा तब हमें ऐश्वर्य का पता चलेगा। वराह देव के एक रोम छिद्र इस संसार का, सारे समुद्रों का, कितने महासागर हैं, सातों महासागरों का पानी वराह देव के एक रोम छिद्र में अगर भर दिया जाए तो अभी वो भरेगा नहीं। अब इमेजिन करो उनका शरीर, एक रोम छिद्र में पूरे समुद्रों का पानी भरने के बावजूद वो एक रोम छिद्र भी भरेगा नहीं, ये है वराहदेव। और जब वो वराहदेव ये गर्भोदक सागर जो है ना, यहाँ धरती है, यहाँ से
ये गर्भोदक सागर में डुबाई गई थी, तो वो इस ब्रह्मांड में चलते हैं, है ना, और वो धरती को निकाल के लाए हैं। तो ये सब कथाएं अगर हमें नहीं पता चलेंगी तो कैसे हमें मान, हमें तो लगेगा भाई नॉर्मल कोई बच्चा है, लेकिन ये वही वरादेव है ना, ये वही वरादेव है। जब वामन जी ने, वामन देव ने दो, अभी यहाँ पे कृष्ण थक जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, है ना, और वही कृष्ण दो पैर दो पग में तीनों लोक नाप दिए, और तीसरा पूछते कहाँ रखूँ, इसलिए नौ स्कंद है। जब हम ये समझेंगे कि सृष्टि कैसे हुई, जब हम ब्रह्मा जी, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि अरे ब्रह्मा जी हमें तो लगता है कि आपने ही सब बनाया है, तृतीय स्कंद में है ये, नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी आपने तो सब बनाया है, आपने तो सब ये सृष्टि की रचना करी, जो भी है सब आपने लगाया है, फिर आप कभी कभी मैंने देखा कि आप भी किसी का ध्यान करते हैं, आपको ध्यान करने की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा जी डाउट क्लियर करते हैं नारद जी का, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं सब सुप्रीम मैं नहीं हूँ, मुझे तो किसी और ने ज्ञान दिया था, और उस ज्ञान की वजह से मैं जो कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तब वो स्टोरी सुनाते हैं ऊपर की, क्या हुआ, मैं कैसे पैदा हुआ। तो ये सब जब हमें पता चलेगा, जब ब्रह्म, क्योंकि हमें लगता है त्रिमूर्ति है ना, तो जब ब्रह्मा जी स्वयं कहेंगे जब मैं पैदा हुआ तो कुछ नहीं था, अंधेरा था, कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे, क्या करूँ कैसे बनाऊँ, तब मैंने प्रार्थना करी, तब वो शब्द सुनाई दिया तपः, 100 साल तक ब्रह्मा ने तपस्या करी, तब जाके ब्रह्मा को ये ज्ञान हुआ कि सृष्टि करनी कैसी है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा ना, जब हम नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की कथा सुनेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि भगवान है कौन, कृष्ण कौन है, वो हिरण्यकश्यप जिसके सामने सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, सूरज कहता था निकलूं क्या, आज निकलूं क्या, हिरण्य अच्छा ठीक है ठीक है, तो निकलेगा हवा, अगर हिरण्यकश्यप बोलेगा तो हवा चलेगी, नहीं चलेगी, वो हिरण्यकश्यप तीनों लोगों उसके कंट्रोल में थे, सब लोग करते थे ओम जय हिरण्यकश्यप हरे, सब लोग यही करते थे, एक को छोड़ के, और उस एक 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए भगवान ने आके उसको हिरण्यकश्यप को ना ऐसे टांगा हुआ था, भगवान के नरसिंह देव के जो नाखून है उनमें वो हिरण्यकश्यप ऐसे लटक रहा था, पुंग, पुंग। कौन हिरण्यकश्यप, वही इंद्र वरुण चंद्र सब जिसके, तब हमें वो हिरण्यकश्यप वही क्या, वही नरसिंह देव है क्या, हाँ तो ये रस्सी से बंधा हुआ बच्चा हल्के में नहीं लेना इसको, तो तब हमें इस चीज का आइडिया, इसलिए 9 स्कंद है, इसलिए यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया, नमामि ईश्वरम, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वरा कौन, ईश्वरा कौन है, कृष्ण परमेश्वर, ईश्वरा परम कृष्णा, कौन कह रहा है ये बात, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परम कृष्णा, परमेश्वर कौन है, कृष्ण, नाम है क्लियर, यहाँ पे भेद नहीं है कुछ, यहाँ पे डाउट नहीं है, हाँ सभी होंगे, नहीं नाम क्लियर है, कौन, कृष्ण, ईश्वरा परम कृष्णा। पुरुष सूक्त में भी यही बताया, हर जगह यही बताया जाए, जब ब्रह्मा जी ने उनको जब कुछ ज्ञान हुआ तपस्या करने के बाद सृष्टि से पहले, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि नीचे वो कमल पे थे ना, यहाँ पे इस कमल से ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो बहुत बड़ा कोई शरीर है, जिधर तो देखो उधर तक फैला हुआ, पूरे ब्रह्मांड की जो व्यास है उसको कवर किया हुआ एक शरीर है, लाइट आ रहा है उससे, तो वहां से वो प्रार्थना करते, और वो कहते हैं क्या है कि
आपके चरणों की छाया में मुझे जाना है। चरणों की छाया, विष्णु तो लेटे हुए हैं या खड़े हुए हैं, सीधे हैं, तो उनके चरणों की छाया कैसे पड़ेगी? चरणों की छाया कहाँ है? चरणों की छाया तो एक ही के पास है, जिसने जानबूझ के छाया बनाने के लिए एक पैर टेढ़ा किया हुआ है। जब वो पैर टेढ़ा होता है तो उसकी परछाई आती है, उसके नीचे वो कह रहे हैं आ जाए, है ना भाई। जिसने सीधे पैर रखे उसके कैसे आएगा? तो एक ही व्यक्ति का तो पैर टेढ़ा है, नहीं है? ये भागवतम में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो उन परमेश्वर को नमामि ईश्वर, ठीक है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी आगे बताते हैं कि ईश्वर शब्द के तीन अर्थ बताए गए हैं, सर्वशक्तिमान, जगत के एकमात्र स्वामी और मेरे निज प्रभु, आपने पढ़ा है ना। तो चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो मुझे उनकी वंदना करने की शक्ति प्रदान करें, और चूंकि जगत के एकमात्र स्वामी हैं इसलिए उनकी सर्वश्रेष्ठता के कारण मैं उनकी वंदना करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ हैं, परम वंदनीय हैं, है ना, ब्रह्मा शिवा लक्ष्मी सब लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनकी वंदना करता हूँ। षष्ठ छठवें स्कंद में जब यमदूत अजामिल को पकड़ नहीं पाए, तो जब उन्होंने यमराज को जाके, उस दिन तो कुछ गड़बड़ी हो गई ज़्यादा, जनरली यमदूत अपना काम वाम करके आते थे तो अपने राजा यमराज को पहले प्रणाम वणाम करते थे, उस दिन कुछ नहीं। तो यमराज को आज तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हो गया? बोले ये बताओ तुम्हारे जैसे कितने हैं, है? हमें तो लगता था कि तुम ही भाई, यमराज को तो धर्मराज यमराज है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, है ना। तो बोले हमें तो लगता था एक आप ही हो सब कुछ कंट्रोल करने वाले, तो आपके जैसे और भी हैं क्या? तो वहाँ पे यमराज ने पूरा प्रवचन दिया है कि मैं शिवा ब्रह्मा ये ऐसे कई हैं, पर ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट चलाते हैं, और ये सब किसके द्वारा दिए गए हैं? गोविंद आदि पुरुषम, वो गोविंद, वो कृष्ण के द्वारा ये सारे डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, तब उनको समझ में आता है। तो और तीसरा अर्थ बता रहे हैं कि निज प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, ये भक्ति भाव में वो प्रणाम करने का। फिर नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप कैसा है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद हैं। कहीं हमें ऐसा ना लगने लगे कि जैसे हमारा शरीर है वैसे ही उनका भी शरीर है। हमारा शरीर असत, अचित और निरानंद है, और वो सत चित आनंद है। हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं। भगवान ने गीता में कहा ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो जीव जो है वो तो सच्चिदानंद है क्योंकि वो अंश है भगवान का। तो अंश होने के कारण वो है तो सच्चिदानंद, लेकिन वो भौतिक माया के कंट्रोल में आने से, बॉडी से आइडेंटिफिकेशन करने के कारण, शरीर में उसे कहते हैं ना देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि होना, मैं देह हूँ मैं शरीर हूँ, सारी प्रॉब्लम इस एक कॉन्सेप्ट से शुरू होती है। हमें लगेगा कि हम इससे ऊपर आ गए हैं पर नहीं आए, क्योंकि ये जैसे मुझे बहुत क्लियर आइडिया है कि मैं ये शर्ट नहीं हूँ, राइट, ये शर्ट को मैंने पहना हुआ है, राइट, ये क्लियर आइडिया है ना हमें, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं शर्ट ही हूँ, नहीं लगता ना। लेकिन कई बार हम इस शर्ट से भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई आके बोले आपका शर्ट अच्छा नहीं लग रहा तो हमें बुरा लगता है, शर्ट अच्छा है आपको नहीं बोल रहा है वो, है ना। तो ये जो देहात्म बुद्धि है ये सबसे खतरनाक है ना।
जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास कोई कार है, खिलौने वाली कार, तो वो पहले तो बहुत वो देखते हैं कि सब लोग कार चला रहे हैं, तो उनको लगता है हमें भी हमारी कार चाहिए, तो पेरेंट्स उनको एक कार देते हैं जो कि एक्चुअल कार नहीं है, जो कि एक खिलौने वाली कार है, तो वो खुश होता है और उसमें हैप्पी रहता है ना, और वो उस कार से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। फिर किसी ने मान लो उसकी कार तोड़ दी है ना, तो वो रोएगा और वो मेरी कार तोड़ दी, मेरे पेरेंट्स को उसको सीरियसली लेंगे क्या? नहीं लेंगे, पेरेंट्स उसको सीरियस नहीं लेते, क्यों? उनको पता है कि ये कार हमेशा नहीं रहने वाली, ये मतलब ये रियल नहीं है ना, ये कार से इसका कोई कनेक्शन नहीं, कुछ दिन के लिए एनीवे एक दिन तो टूटनी थी, ठीक है, तो पेरेंट्स इसको सीरियस नहीं लेते, अरे आ जाएगा दूसरा, आ जाएगा छोड़ो, ठीक है। और जो असली कार है, मतलब जो बड़ी कार है, जो मर्सिडीज़ है पेरेंट्स के पास, मान लो वो एक दिन चला रहा था, किसी ने एक बड़ा सा पत्थर मार दिया, कांच उसका टूट गया, तो उस दिन पिताजी पूरा टेंशन में रहेंगे, पापा बच्चा आएगा क्या वो मर्सिडीज में ना किसी ने तोड़ दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी छोटी सी खिलौने वाली कार टूटी थी तब वो रो रो के पागल था और पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जब पिताजी की मर्सिडीज टूटी है तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात बराबर हो गई, क्यों ऐसा क्यों? ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि बच्चा अपने आप को उस कार से आइडेंटिफाई कर रहा था, इसलिए जो कार टूटी तो उसको लगा कि मेरा कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है, और इसी तरह से जब पिताजी अब बच्चा खिलौने वाली कार से आइडेंटिफाई करता है और पिताजी और जो बड़ी कार है और जो सबसे परम पिता जो हैं उनको लगता है ये उनके लिए वो मर्सिडीज़ खिलौना है, क्या है ये मर्सिडीज़ के लिए रो रहा है, अरे यार मैं यहाँ इसके लिए चिंतामणि लेके बैठा हूँ, मर्सिडीज़ के लिए रो रहा है ना। तो इस बात को समझना, इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकल, तो भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद हैं ना, उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है ना, कभी बूढ़े नहीं होते ना, ऐसा नहीं भगवान को भी दांत में दर्द है ना, या कुछ खा लिया तो पेट में दर्द है ना। किसी ने प्रभुपाद से क्वेश्चन किया, ओ भगवान राम ने मीट खाया था, तो प्रभुपाद कहते हैं वो पूरा ब्रह्मांड खा सकते हैं इंक्लूडिंग यू, तेरे को मिला के पूरा ब्रह्मांड खाते हैं वो। अब विराट पुरुष में तो देखा है ना, गीता में अर्जुन कह रहा ना, अरे इसमें तो सभी को खाए जा रहे हो आप, तो सबको खाते हैं वो है? तो तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? किसी ने पूछो ओ भगवान ने 16108 विवाह कैसे करिए, पूछा प्रभुपाद से पूछा, इतनी रानियाँ क्यों? तो प्रभुपाद तुम्हारा वाइफ को नहीं लेके गए ना, तुमका प्रॉब्लम क्यों, बल्कि तुम उनका वाइफ, पूरा सृष्टि पूरा प्रकृति किसके आनंद के लिए है? किसी ने प्रभुपाद से पूछा भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों? प्रभुपाद कहते भोग के लिए, वो खुश हो गया, तुम्हारे भोग के लिए नहीं, उनके खुद के भोग के लिए। प्रकृति पुरुष जो हैं उनके आनंद के लिए, प्रकृति अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालें तो प्रकृति का मतलब होता है जो आनंद के लिए है ना, भोग के जो है, और पुरुष माने जो भोगता है, जो आनंद है, तो भोगता कौन है? गीता मन बताए, तो ये जो कुछ भी है ये सब उस प्रकृति के अंतर्गत आता है ना, जो भी है सब सब कुछ किससे बना है? पंचभूत से बना है ना। गीता में भगवान ने क्या किया, भूमि रापो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रे बचा अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी प्रकृति है, क्षिति जल पावक गगन समीर अर्थ वाटर फायर एयर ईतर, ये क्या है? मेरी भिन्न प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति और मन बुद्धि अहंकार, ये आठ चीज़ें भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये आठ चीज़ें मेरी बहिरंगा शक्ति हैं। तो जो शक्ति जिसकी है तो शक्तिमान के आनंद के लिए है ना, तो सच्चिदानंद विग्रह बोल के क्लियर कर रहे हैं कि आप उस बच्चे को हल्के में ना लें, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, कहीं लोग उसको हल्के में ना ले लें, है ना। नमामि ईश्वरम स।
सच्चिदानंद रूपम। श्रीमद् भागवतम में नौ दसवें स्कंद के नौवें अध्याय में दामोदर लीला आती है, नौ और आठवें अध्याय में क्या हुआ उसके बता। आठवें अध्याय में भगवान ने खाई मिट्टी, गोकुल गए ना उधर पे मिट्टी अभी भी खाते है ना, भगवान ने खाई मुंह खोला ब्रह्मांड दिखा, हमने खाई मुंह खोला कुछ नहीं दिखा। वो सच्चिदानंद है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, हम नहीं है। तो माता जब सबने जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तो सभी ग्वाल सखाओं ने माता जी से कंप्लेन करा कि आपके कृष्ण ने मिट्टी खाया। तो माँ आई, वो मिट्टी क्यों खाई तुमने? अरे मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तुम्हारे सारे फ्रेंड बोल रहे हैं, बोलता है ना, और लोग बोले तो शायद गलत हो, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त ही बोल रहे हैं, और तो और बलराम भी बोल रहे हैं। जनरली बलराम जी सपोर्ट करते हैं कृष्ण को। बोले अभी बलराम भी बोले, बलराम इसका विश्वास कर रहे हैं आप? ये तो कहता है कि तुम मेरे यशोदा माता के बेटे ही नहीं हो, मैं गोरा, नंद बाबा गोरे, यशोदा माता गोरी, तुम काला किधर से आए भाई? हैं, ये तो चाहता ही है कि तुम मेरे को पीटो। बलराम जी की बात के विश्वास कर रहे हो आप? अच्छा नहीं खाई मिट्टी, नहीं कम खाई, मुंह खोलो। अच्छा मुंह खोला भगवान ने, भगवान ने कहा लिखे रहते ना पार्किंग एट योर ओनर्स रिस्क, मुंह खोलूं क्या? बाकी फिर मत कहना कुछ, खोल दिया मुंह। मुंह खोला उसके अंदर सारा सृष्टि ब्रह्मांड सूरज चंद्रमा आकाश सब दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, और उस ब्रह्मांड के अंदर भू अर्थ, और उस अर्थ के अंदर वृंदावन ब्रज, और ब्रज के अंदर माता यशोदा, और वो उस कृष्ण से पूछ रही है कि तुमने मिट्टी खाई क्या, और वो कृष्ण मुंह खोल रहा है उसके अंदर फिर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। माता तो चकरा गई, और मैया को क्या लगा कि ये तो नारायण है ये तो, और माँ बिल्कुल समझ गई कि ये कौन है, नारायण है। और मैया रेडी थी आरती की प्लेट लाने के लिए कि इसको आरती करनी पड़ेगी, तो जैसे ही मैया का ये भाव बना, कौन सा ऐश्वर्य भाव कि इसकी आरती होनी चाहिए, मैं तो कितना भाव कर रही हूँ, तो वैसे ही भगवान को अब ये ऐश्वर्य जो भगवान की शक्ति है उसने ये दिखा दिया, तो जो माधुर्य भाव है वो तो गायब, वो वात्सल्य तो गायब हो रहा था। तो कृष्ण को लगा रही यार पूरा तीनों लोगों का वो सब छोड़ के मैं आया हूँ इसलिए कि माता का वात्सल्य प्रेम मिलेगा, अरे ये तो आरती करने को तैयार हो, मैं तो सारा प्लान मेरा चौपट हो रहा है। तो तुरंत आदेश दिया योग माया को, और तुरंत योग माया ने मैया को सब बुला दिया, और मैया फिर बंद करो है ना, चलो घर चलो। ओ मैया, तो भगवान को ये लगा, वैसे तो योग माया ने भुला दिया, तो भगवान ने शायद कभी याद आ जाए गलती से, हैं मान लो मैया कृष्ण को दूध पिला रही है और गलती से याद आ जाए उस दिन तिप्तम से बिठा के कहीं आरती ना करने लगे, तो भगवान को थोड़ा और कन्फर्म करना पड़ेगा ताकि मैया को कभी डाउट ही ना हो कि मैं कौन हूँ, है ना, क्योंकि आए किस लिए, वात्सल्य का, है ना। एक्चुअली में दामोदर लीला में यशोदा माता का ग्लोरिफिकेशन है, दामोदर लीला हुई इसलिए कि यशोदा माता का पोजीशन पता चले, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है कि वृष्णि और सुतपा ओ देवकी और वसुदेव ने पिछले जन्म में तो तपस्या करी और वरदान में ये मिला कि आपको मेरे पुत्र बन के आइए, लेकिन सारा आनंद जो पुत्र होने का है वो तो माता ले यशोदा ले रही है, तो ये क्या इसका मतलब, वो ज़्यादा तो ये सिद्ध करने के लिए कि मैया यशोदा गोविंद कृष्ण की वो उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो तो नित्य माँ है, सिद्ध करने के लिए दामोदर लीला। तो भगवान लगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन गलती से कुछ याद आ जाए मैया को, तो और कंफर्म कर देता हूँ इसलिए दामोदर लीला करी, तब तो याद रहे अरे इसको तो बांधा था तो कैसे भाग रहा था, है ना, तो बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आठवें, और डाउट ना हो कि हमारे जैसे लोगों को तो ऐश्वर्य भाव भी दिखा दिया है ना, पूरा मुख में पूरा ब्रह्मांड, तो डाउट नहीं होगा है, फिर
दामोदर लीला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार माता यशोदा ने सोचा कि बहुत सारी कंप्लेन आती हैं कृष्ण की। क्या कंप्लेन आती है कि ये क्या करता है, घर घरों में जाके मक्खन चुराता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे एकदा गृह दासिसु यशोदानंद गेनी कर मंत्र नियुक्त सासु निर्मंथ स्वयं दधी। एक बार माता यशोदा ने ऐसे सोचा। अच्छा, आचार्यों ने एकदा शब्द को बताया कि वो दिवाली का दिन था। कार्तिक में ज़्यादातर लीलाएं कार्तिक में हुई हैं, माखन चुराने की या दामोदर लीला या मिट्टी खाने की, गोवर्धन उठाने की, सारी लीलाएं। ये आज मक्खन मिट्टी खाई है, ब्रह्मांड दिखाया, अगले दिन बांधे गए हैं, यानी सब उल्टा पुल्टा है ना। आज तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मुँह में, और अगले दिन सबसे कह रहे हैं अरे बचा लो मेरे को यार बांध दिया है, रो रहे हैं पूरा है ना। और नेक्स्ट डे आज आप एक रस्सी नहीं खोल पा रहे हैं है ना, आज आप एक रस्सी नहीं खोल पा रहे हैं और कल पहाड़ उठा रहे हैं। नेक्स्ट डे हुआ ये दिवाली के नेक्स्ट डे तो गोवर्धन पूजा है, तो नेक्स्ट डे पूरा गोवर्धन उठा लिया है ना। तो एक दिन मैया ने सोचा कि बहुत कंप्लेन आ रही है, ये तो हो सकता है कि हमारे घर में जो मक्खन बन रहा है उसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जाके खाता है ना भी। तो मैया को लगा कि शायद घर में अच्छा मक्खन नहीं बन रहा है, इसलिए बाहर जाके खा रहा है, चुरा चुरा के खा रहा है। तो घर में अच्छा नहीं बन रहा है, यानी कि जो अब मैया तो रानी है, ब्रजरानी है, ब्रजेश्वरी, तो वो तो करती नहीं थी, सबका जो बहुत सारी दासियाँ थीं सब अपना अपना सेवा करती, जो मुख्य दासियाँ थीं जो बहुत श्रेष्ठ थीं वो किचन का डिपार्टमेंट संभालती थी। तो वो सब, और होता क्या था कि 900,000 गायें थीं, उनमें से 100 गाय स्पेशल थीं, उनमें से पद्मगंधा जो गाय थीं 100, उनमें से एक जो सबसे स्पेशल गाय थी उसका दूध कृष्ण के लिए रखा जाता था है ना, पद्मगंधा गाय। वो पद्मगंधा मैंने उस गाय से कमल की खुशबू आती है, वो पद्मगंधा गाय जितनी थी उनका स्पेशल दूध कृष्ण के लिए रखा जाता था। तो माँ ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं खुद मक्खन बनाऊंगी और उस मक्खन को जब कृष्ण खाएंगे तो उनको अच्छा, गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट भूल जाता है। तो मैया ने सोचा शायद मैं जब मैं अच्छा सा बनाऊंगी तो ये फिर बाहर से चुराना बंद कर देगा। तो एकदा वो दिवाली का दिन था, तो उस दिन मैया ने क्या सोचा, जनरली वो सभी गोपे दासियां करती तो उसने कहा सब दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया, और वैसे भी दिवाली था है ना, तो सारी दासियां और कामों में लग गई, दिवाली में बहुत सारा काम होता है। तो उस दिन जब मैया ने सोचा सुबह सुबह जग के अब कृष्ण के जगने के पहले मक्खन रेडी करके रखूँगी है ना, जनरली जब अर्ली मॉर्निंग में जो बटर निकाला जाता है वो बेस्ट होता है ना। तो सुबह सुबह अभी ब्रज में भी वो लोग सुबह सुबह निकालते हैं है ना, तो सुबह सुबह मक्खन निकालूंगी और जब तक कृष्ण जगेंगे तब तक मैं इसको रेडी करके रखूंगी। और जैसे ही वो जगेंगे, अब कृष्ण को कहना जस्ट जगते ही भूख लगती है, वैसे ही बच्चों को जगते ही भूख लगती है, कुछ तो चाहिए, तो जैसे ही उसको भूख लगी मैं खिलाऊंगी मक्खन। ये मैया का प्लान था जो कि धरा का धरा रह गया है ना, कुछ और ही घटना घट गई। तो उस दिन मैया सुबह सुबह जल्दी जगी और उन्होंने जो सबको दूसरे काम में लगा दिया और खुद स्वयं वो है निर्मंथा स्वयं दधी, वो दधी दही जो है उसको स्वयं मथ रही थी है ना। तो जब माँ उस दही को मथ रही थी तो बड़ा सा पॉट था और हाथों में बहुत सारे कंगन वगैरह थे और आभूषण थे, सब कुछ था। तो नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी चा दधि निर्मंथने काले स्मरंती तन आगे, तद बाल चरितानी चा, जब वो दही मथ रही थी तब वो क्या गा रही थी, तद बाल चरितानी, वो सिनेमा का गाना नहीं गा रही थी, वो क्या गा रही थी, उस अपने बच्चे के चरित्र को है ना, जो पूतना, मतलब उन्होंने उस समय स्पॉन्टेनियसली
जो कृष्ण ने जो भी काम किए हैं इससे पहले उनको लेके एक गीत बना के और उसको गा रही थी। तो सेवा करते समय कृष्ण के गीत गाना है, माँ भी सेवा कर रही ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो सेवा करते समय कृष्ण का कीर्तन करते हुए सेवा करना है। तो माँ कृष्ण के चरित्र को गा रही थी, है ना, और उनके जो कंगन थे और जो आभूषण थे तो उनसे करताल जैसी आवाज़ आ रही थी, है ना। और जो दही की मटकी थी ना बड़ी, तो जब माँ मथती है तो दही की मटकी का साउंड आता है दही मृदंग जैसा, तो मृदंग भी बज रहा था, करताल भी बज रही थी। और मैया तद बाल चरित्रानी जा, मैया अपने बालक की चरित्र को कीर्तन भी कर रही थी। तो वहाँ पे सेवा हो रही है, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है, मैया पूरा खुश है और मैया को पूरा लग रहा है कि बस एक ही चिंतन है कि मक्खन तैयार करके कृष्ण को देना है। और उस दिन क्या हुआ कि कृष्ण को, कृष्ण तो सब जानते हैं और उन्हें एक्चुअली में सारा प्लान कुछ और ही था, कृष्ण को तो ये लीला करनी ही थी, है ना। तो कृष्ण उस दिन जल्दी जग गए, अब उस दिन वो जल्दी जग गए तो मैया को तो देखा नहीं उन्होंने अपने आसपास, तो मैया कहाँ है। तो घूमते घूमते सोए सोए से घूमते घूमते आ गए और उनको आवाज़ आ रहा था, क्यों मैया कीर्तन कर रही थी, तो आवाज़ को पकड़ के कृष्ण वहाँ तक आ गए। ओ मैया तो मुझे, मैं सबको छोड़ के मैया के पास आए, मैया मुझे छोड़ के क्या मक्खन दही वही मथ रही है। तो भगवान आए और कृष्ण ने क्या किया, सबसे पहले उस जो दही मथने की जो लकड़ी होती है ना उसको पकड़ लिया दोनों हाथों से, है ना, और इतना जोर से पकड़ा कि रुक जाए, है ना। अब सोचो अब, तो माँ ने जब देखा कि कृष्ण ने इसको पकड़ लिया है तो पहले तो उनको बहुत खुशी हुई, क्यों, उनको लगा कि मेरा बच्चा स्ट्रांग है, इतने तेज से जो दही का मक्खन मथनी जो है वो मथानी को रोक दिया तो उनको खुशी हुआ। और फिर भगवान इतने चतुर हैं, वो मटकी पे एक पैर रखा, एक पैर मैया के कमर पे रखा और यूं यूं पकड़ के वो गोद में बैठ गए और उनको लगी थी भूख। तो यहाँ पे अच्छा, ये दामोदर लीला ना बड़ी विचित्र लीला है, यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा ही है, है ना। भगवान क्या है, आत्माराम, है ना, भगवान क्या है, आत्माराम। अब आत्माराम कौन होता है, जो अपने आप में संतुष्ट है, मतलब उसको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, है ना, कोई कामना नहीं है। पर यहाँ पे भागवतम में शब्द आ रहा है स्तन्य काम, आज उस आत्माराम के अंदर मैया के स्तनपान करने की कामना आ गई, है ना, उसके अंदर वो आत्माराम है, लेकिन आज वो अपना वो आत्माराम का स्वभाव को त्याग दिए और स्तन्य काम, आज उनको मैया के स्तनपान करने की कामना है और वो मैया से कहते हैं कि मुझे स्तनपान। तो माँ ने वहाँ पे दधि मंथन को रोक के और कृष्ण को, आप बता देना माता जी कब खत्म करना है, ये तो चलेगा 7-8 दिन, है ना। तो माँ ने वहाँ पे उसको रोक के और कृष्ण को स्तनपान कराने लगे। तो भगवान उस दिन कंपटीशन था, कृष्ण दूध पिए जा रहे हैं और माता के स्तन में भी दूध खत्म नहीं हो रहा है, कंपटीशन है भक्त और भगवान के बीच में। तो उसके बीच में कुछ घटना घटी है, तो घटना क्या घटी है कि अच्छा, बीच में मैं बताना भूल गया आपको, जब माँ दही मथ रही थी तो उस समय बहुत परिश्रम किया माँ ने, सेवा में परिश्रम बहुत लगता है ना, कृष्ण को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है ना। तो माँ बहुत मेहनत कर रही थी दही मथने में,
तो अब चूंकि रानी है, ये सब काम तो रोज का है नहीं, तो पूरा उनका पसीना हुआ जा रहा था शरीर में, है ना। और इतना जो सिर में जो फूल माने लगाए हुए हैं, वो फूल वहाँ से गिर जा रहे हैं, है ना। क्यों गिर जा रहे हैं? एक्चुअली में आध्यात्मिक जगत में सब में चेतना है, हर चीज़ में चेतना है, है ना। हर चीज़ में चेतना, वहाँ कोई जड़ नहीं है। तो फूल क्या सोच रहे हैं, जो माँ के सिर में जो फूल लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि माँ आज इतनी सेवा कर रही है ना। तो इतनी सेवा करने वाली माँ के सिर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो नीचे गिर रहे हैं। एक आचार्य कहते हैं कि इतनी सेवा पहले ही कर रही है और हम उसके सिर पे क्यों बैठे हुए हैं, है ना। तो फूल जो है नीचे गिर रहे हैं। और जो बीच में एक और शब्द आता है भागवतम में कि माँ के स्तन से दूध अपने आप बाहर आ रहा था, क्योंकि वो दूध ये सोच रहा है कि कृष्ण, मतलब अब माँ तो दही बना रही है और इतने भाव से बना रही है, मक्खन निकालेंगी और कृष्ण वो मक्खन खाएंगे, तो फिर मुझे क्यों पिएंगे? इतनी भाव, इतनी मन से जो मक्खन तैयार किया गया, कृष्ण तो उसे ही खाएंगे ना, मुझे क्यों? तो दूध अपने आप बाहर आके मेरा जीवन ही बेकार है। जो जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है, वो जीवन रहने से क्या फ़ायदा है, वो जीवन व्यर्थ है। तो ये सोच के वो दूध बाहर आके अपने आप को ख़त्म करना चाहिए। तो फिर एनीवे भगवान ऊपर जाके माँ का स्तनपान किए। तो उस दिन भगवान ने ये विरोधाभास प्रकट किया है, आत्माराम होते हुए भी वो स्तन्य काम हुए और चाहिए और चाहिए पीते जा रहे हैं। उसके बाद बीच में किचन के अंदर चूल्हे पर दूध उबल भी रहा था, किसका उपद्म गंदा गाएगा, है ना। तो वो दूध, अब वो सारे कंपटीशन में रहता है, सेवा करने का कंपटीशन है यहाँ। तो अब ये जो दूध उबल रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं इतना आग में जल रहा हूँ किस लिए, कि मैं कृष्ण की सेवा में जाऊँगा और कृष्ण तो आज मैया के स्तनपान नहीं कर ले रहे हैं इतना, तो अब मुझे क्यों पियेंगे? तो जो सेवा, जो जीवन सेवा में नहीं, वो जीवन, तो वो दूध बाहर आके आत्महत्या करना चाह रहे हैं। तो जो माँ ने देखा है कि वो दूध उबलने वाला है, तो माँ ने वहाँ पे कृष्ण को साइड में बिठा दिया। तो इसके आगे का कल हम चर्चा करेंगे, आगे क्या होगा, ठीक है। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, yeah।
श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, दामोदर लीला की, कार्तिक मास महा महोत्सव की, श्री श्री गौर हरि टेंपल की, नीताई गौर प्रेमानंदे।